हरदोई जिले में यूपी जोड़ो अभियान के तहत आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज हरदोई जिले में कार्यालय का उद्घाटन किया और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। यहां पर उन्होंने प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर ब्लॉक प्रमुख चुनाव में धांधली को लेकर जहाँ करारे प्रहार किए, वहीं ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत के चुनाव सीधे जनता से कराने की भी मांग की। यही नहीं, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के जनसंख्या नियंत्रण अधिनियम को लेकर भी योगी सरकार को घेरने की कोशिश की और उन्होंने लोकल बॉडी इलेक्शन की तरह लोकसभा और विधानसभा में भी इस तरह के नियम को लागू करने की वकालत की। उन्होंने उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर जिम्मेदारी पार्टी नेतृत्व पर डालते हुए कहा कि प्रदेश के हित में जो भी गठबंधन करने का फैसला होगा वो किया जाएगा। प्रदेश के 823 ब्लॉक में कहीं एक भी जगह निष्पक्षता से चुनाव नहीं हो रहा है। कहीं महिला का कपड़ा फाड़ा जा रहा है, कहीं प्रत्याशी का अपहरण किया जा रहा है, कहीं गोलीकांड हो रहा है। आदित्यनाथ जी के राज में लोकतंत्र तमंचा लोकतंत्र बन गया है, जहां पे गोली के दम पे, बम के दम पे इस चुनाव को अपने पैरों के तले रौंदने और कुचलने की तैयारी हो रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि रद्द होना चाहिए और डायरेक्ट जनता से हो तो पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी में कितना दम है। आप सीधे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कराइए, सीधे ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कराइए। पहली चीज तो चेहरा